तो दोस्तों ये है गौरी बाजार का वखरा चौराहा और आइए जानते हैं ग्राउंड न्यूज़ कि यहाँ पे किसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पे युवा समाज है और युवा समाज से ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है, किसको कौन लाइक करता है आइए जानते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन लोगों से कि इनके दिलों पे किसका राज चलता है, पवन सिंह या खेसारी लाल का। तो यहाँ पे देखिए हमारे युवा समाज है और इनकी क्या राय है कि खेसारी लाल कह रहे हैं कि कुश्ती पवन सिंह के से करने के लिए, तो आप लोग क्या राय है, कौन जीत सकता है पवन सिंह में और खेसारी लाल में, अगर कोई लड़ता है तो कौन जीतेगा? खेसारी लाल। तो ये बताइए खेसारी लाल में ज़्यादा ताकत है क्या? अच्छा, तो आप लोगों को खेसारी लाल का गाना कौन सा पसंद है? कोई गाना अगर आपको पसंद आता हो तो बताइए, हाँ थोड़ा सा गा के बताइए, क्योंकि आप खेसारी लाल के पंसदशक है तो सब गाना अच्छा लगता है और फिल्म भी बढ़िया लगता है उसका। अब पवन सिंह का क्या मतलब, खराब बनाते हैं या? वो भी अच्छा लगता है लेकिन खेसारी लाल ज्यादा फेमस है ना। ज्यादा फेमस है, अच्छा ठीक है। तो आपने सुना गांव के लोगों को खेसारी लाल ज़्यादा पसंद है युवा समाज को, तो फिर और आगे चलते हैं और आपको और सी जानकारियां देते हैं। हमारे गांव का युवा समाज है, आइए इनसे जानते हैं इनकी क्या राय है दोनों के बारे में। जो भोजपुरी के दो सुपरस्टार है पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, तो ये गांव में आप लोग रहते हैं, तो यहाँ पे किसका राज चलता है, यानी आपके दिलों पर किसका राज चलता है, पवन का या खेसारी लाल का? पवन खेसारी दोनों। पवन और खेसारी दोनों यहाँ पे, खेसारी उससे लोकप्रिय है। खेसारी लोकप्रिय है, तो क्या पवन कुछ मतलब अच्छा गाना नहीं गाते हैं क्या? नहीं गाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं। तो खेसारी लाल ने कहा था कि भाई अगर हम कमज़ोर बानी तावक कुश्ती हो जाता, अगर कुश्ती दोनों में हो जा तो के जीती, पवन सिंह जीती है या खेसारी लाल जीती है? अखाड़ा जब चालू होगा तो पता चलेगा, 6 महीने में बोले ना हाँ, तो आमने सामने आ ही जाएगा, क्या हम बताएं। ठीक, तो आपने जाना ये युवा समाज है और किसको कौन ज़्यादा पसंद कर रहा है, फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि और क्या पब्लिक कहती है खेसारी और पवन। तो दोस्तों ये देख सकते हैं युवा समाज है और आइए जानते हैं इनसे कि खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में आप लोगों को सिंगर कौन सबसे ज़्यादा पसंद है, बताइए आप लोग। पवन सिंह। पवन सिंह। खेसारी लाल क्योंकि हाँ, हम बता रहे पवन सिंह के बारे में। पवन सिंह जब जो उन्हें स्टेट पर जाते हैं वहाँ पर जो अपना ये क्या बोलता है कोनो चीज़ है गाना लगाते हैं मौसम में, उनके लिए युवा सबसे ज़्यादा मतलब खुशी में मतलब इतनी महसूस करते हैं युवा। तो इन्हें कहना खेसारी की आवक कुश्ती हो जाए, देखल जा के जीती, तो आप लोगों को क्या लगता है कि अगर दोनों में कुश्ती हो जाए तो कौन जीतेगा, खेसारी लाल जीतेंगे या पवन सिंह? देखिए हम बता रहे हैं मतलब वो ऐसा कुछ बात नहीं उन दोनों में, मान लीजिए हम लोग समाज लड़के हैं, वो लोग अपने में कर लेंगे, कल जाके किसी साथ केक काटेंगे, बोलेंगे कि नहीं ये बुरा है भला है, समाज मतलब हम लोग को सही बात है जो नहीं रहेंगे उनको भड़काएंगे, उनको काम है, मान लीजिए एक ही साथ बोलेंगे मेरा छोटा भाई है मेरा बड़ा भाई है ये बड़ा भाई है, एक ही साथ केक काटेंगे लोग, ठीक है, इसीलिए हम लोग उन लोग के फेरे में नहीं रहते, हम पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं सर, ठीक है। तो मतलब आप लोग को खेसारी लाल, आधी पार्टी खेसारी लाल की है और आधी पार्टी जो है पवन सिंह की है, नहीं, तो हम आप किसी पार्टी नहीं है, उन लोगों के बात पसंद करते हैं आप, जो जिसको आप गाना जो पसंद करते हैं वो खेसारी लाल आपने कहा। हाँ जी सर। और इन लोगों ने कहा भाई पवन सिंह, तो सबका अपना अपना ओपिनियन है आपने कहा। तो देखिए आपने सुना कि यहाँ पे जो बच्चे हैं गाँव के वो खेसारी और पवन दोनों में डिवाइडेड हैं, तो फिर चलते हैं आगे और भी जानकारियाँ आपको देते। गौरी बाजार का ये बीरवा चौराहा है, तो दोस्तों देखिए कुछ स्कूली बच्चे आ रहे हैं, इनसे भी जानते हैं कि बाबू आप लोग बताओ कि खेसारी लाल और पवन सिंह सिंगर में सबसे ज़्यादा कौन सा सिंगर आप लोगों को पसंद है? पवन सिंह। तो आप लोग ऐसा तो बात है नहीं, खेसारी लाल भी तो अच्छा ही गाते हैं,
तो पवन सिंह ज्यादा आप लोगों को पसंद है। भाई साहब का नाम क्या है? विकास कुमार। पवन सिंह और खेसारी लाल जो भोजपुरी के सुपर स्टार हैं, इन दोनों में कौन सा सिंगर आपको ज्यादा पसंद है? खेसारी लाल यादव। खेसारी लाल यादव। तो ऐसा तो नहीं है कि आप यादव हैं तो यादव का पक्ष ले रहे हैं? तो क्यों, क्या मतलब आपको खासियत लगती है? क्यों बहुत अच्छा गाते हैं पवन सिंह में तो बहुत अच्छा गाते हैं। हाँ तो यानी हाँ तो खेसारी लाल को आप मतलब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखा आपने भाइयों, तो फिर आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा और फिर मिलते हैं इसी तरह से एक नए ब्लॉग नई जगह पे। तब तक चांद बाइकर की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार।